IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम। वातायनम में आज सुनते हैं ये कहानी भूपति मायादास। पुराने समय की बात है, मायादास नाम का एक राजा था। वह बहुत ही लोभी था, सभी से उपहार लेना उसकी आदत थी। एक दिन मायादास अपने सभा भवन में बैठा हुआ था। एक सभासद आकर उनसे बोला, महाराज स्वीकरोतु 2000 स्वर्ण मुद्राः। शोभनम शोभनम। राजन मत्तः अपि 2000 स्वर्ण मुद्राः स्वीकरोतु। शोभनम अतिशोभनम। महाराज मत्तः 5000 स्वर्ण मुद्राः। ददातु शोभनम। वो किमर्थं न ददासि? प्रयच्छ शीघ्रं यत्किमपि तव हस्ते अस्ति। राजन केवलं 50 स्वर्ण मुद्राः। हो भटाः इमं दण्डयत। महाराज एषः मुनिः अत्र भवतः दर्शनम् इच्छति। भो मुने आगम्यताम्। स्वागतं भवतः। इदं आसनं उपविशतु भवान्। पवित्रं करोतु मम भवनम्। राजन् अहं मुनेः सेवां करोमि। न न अहं स्वयमेव मुनेः सत्कारं करिष्यामि। नृपते स्वस्ति अभीष्टं वरं वरे। मुने यदि सत्यमेव भवान् मयि प्रसन्नः तर्हि एतादृशं वरं ददातु येन मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सौवर्णाः भवेयुः। तथास्तु। अहो इदं स्वर्णमयं जातं शोभनम्। अन्यत् वस्तु स्पृशामि। आहा इदमपि स्वर्णं संजातं। अधुना अहम् अतिधनिकः भविष्यामि। सर्वं नगरं क्रेतुं पारयामि। अहो महति पिपासा अनुभूयते। भो सेवक जलमानय। अरे इदं जलमपि स्वर्णपिण्डम् अभवत्। कथमहं जलं पातुं शक्नोमि अधुना? पितः अतीव सुन्दराणि इमानि कुसुमानि। दर्शय दर्शय पुत्री। वस्तुतः अतीव सुन्दराणि इमानि कुसुमानि। अये इमानि पुष्पाण्यपि सौवर्णानि जातानि। कुत्र गता एषा मृदुता? पितः किमिदं कृतम्? अहं स्वपुष्पाणि यथा रूपम् इच्छामि। मारुदिः बाले मारुदिः। अहं किञ्चित् चिन्तयामि येन त्वं स्वपुष्पाणि पुनः प्राप्नुयाः। अहं किमपि न जाने। अहं तु स्वपुष्पाणि इच्छामि। आम् आम् तव पुष्पाणि तुभ्यं दास्यामि। अहो किमिदं जातम्? इस प्रकार मुनि से वरदान पाकर राजा जिन जिन वस्तुओं को छूता वे सारी वस्तुएं स्वर्णमय हो जाती थी। यहां तक कि राजा की अपनी पुत्री भी राजा के स्पर्श करने पर सोने की मूर्ति बन गई। मम पुत्री अभी स्वर्ण प्रतिमा संजाता। इद्रिशेन स्वर्णेन किं करिष्यामि? पुत्री क्षमस्व मां लुब्धं स्वार्थपरं च।
नूनम् अहमेव तव मृत्योः कारणम्। हा दैव, पुनः न कदापि लोभं करिष्यामि। भो मुने, कुत्रासि कुत्रासि? नेच्छामि अहम् ईदृशं वरं, नेच्छामि। कृपया पुनः दर्शनं देहि। जीवय च मम पुत्रीं, जीवय कृपया। राजन्, किमर्थं माम् आह्वयसि? किम् अन्यत् वरम् इच्छसि? न न मुनिश्रेष्ठ, अहं कमपि वरं नेच्छामि। कृपया दत्तमपि वरं निवर्तयतु। अहं तु खादितुं पातुं किमुत स्वपुत्रीमपि अङ्के उपवेशयितुम् असमर्थोऽस्मि। नाहमिच्छामि ईदृशं वरं। मयि कृपां करोतु भवान्, कृपया मम पुत्रीं जीवयतु। राजन्, त्वया तुच्छं सुवर्णं महत्तमं गणितम्। अस्य लोभस्य एव परिणामः अयमस्ति। आम् महर्षे, मया अधुना यथार्थं ज्ञातम्। न पुनः करिष्यामि एतादृशं लोभं। कृपया क्षमस्व माम्। अस्तु, अहं दत्तं वरं निवर्तयामि। अधुना त्वं कस्यापि वस्तुनः स्पर्शं करिष्यसि, तत् स्वर्णे नैव परिवर्तिष्यते। परिवर्तितानि वस्तूनि कथं पूर्वावस्थां प्राप्स्यन्ति? भगवन्, कथं च मम पुत्री जीविष्यति? उद्यानात् जलमानय। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वाम् अवस्थां प्राप्स्यन्ति। साधुवादः भगवन्, अहम् एवमेव करोमि। इस तरह जल छिड़कने पर राजा की पुत्री पूर्व अवस्था को प्राप्त हो गई। राजा ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। आगच्छ मे पुत्री, तोषय मम मानसम्। आम पिता, अहम अपि स्वपुष्पाणि प्राप्य अतीव प्रसन्ना अस्मि। परम कथम अभवत् एतत्? पुत्री, मया महर्षिः प्रार्थितः स्ववरस्य निवर्तनाय। सत्यं वदसि त्वं, कदापि लोभः न करणीयः। आम, अतिलोभो न कर्तव्यः, सः तु दुःखस्य कारणम्। राजा ने पुनः सभी वस्तुओं पर जल छिड़क दिया, जिससे सभी वस्तुएं पुनः अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्तित हो गई। आपने सुना, अत्यंत लोभ के कारण राजा को पीने का पानी भी नहीं मिला। यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी भी सोने की मूर्ति बन गई। अतः हम समझ सकते हैं कि अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। भूपति ही मायादास। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर रंजीत बेहरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर रंजीत बेहरा, डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, गिरीश त्रिपाठी, प्रेरणा और डॉक्टर बलदेवानंद सागर। ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।